सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? आई होप गाइस आप सब अच्छा होगे। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले कुछ टाइप से रॉकस्टार के ऊपर फोटो एडिटिंग। तो गाइस एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई रॉकस्टार के ऊपर फोटो एडिटिंग लेकर आओ। तो गाइस फाइनल वीडियो आ चुका है, आप लोग वीडियो के एंड तक देखना को, ठीक है? और गाइस आप लोग को आगे जो भी टॉपिक ऊपर वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो इसी वीडियो के अंदर मैंने जो भी कुछ यूज किया जैसे गाइस बैकग्राउंड और पीएनजी, ये सभी का लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा, आप लोगों ने इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आप लोग को नीचे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो कर लेते स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को पिक्सेल को ओपन करके आपका से ये वाली बैकग्राउंड का आप लोग को ओपन करना होगा, ओके? तो गाइस सबसे पहले आप लोग को से क्या करूंगा, ये पर आप लोग का ड्रॉ टूल के अंदर, ओके? देन गाइस आप लोग को से अपने मॉडल कट कर दीजिए। तो चलिए गाइस ऐड के अंदर आना है, यस आप लोग को से अपने मॉडल कट करना होगा। तो गाइस आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करने आते तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो को देखने के बाद अपने बैकग्राउंड को इजिली इरेज कर सकते हो, ओके? तो गाइस आप लोग को से क्या करूंगा, अपने मॉडल को ऐसे ऐड करना होगा। तो चलिए गाइस मॉडल को ऐड कर देते हैं। तो गाइस ये अपना मॉडल आप लोग को ऐड करना होगा। तो गाइस आप लोग को से क्या करूंगा, अपने मॉडल को ऐसे सही तरीके से आपको ऐसे एडजस्ट कर लगाना होगा, ओके? तो गाइस आप लोग ऐसे टैप कर दीजिए। देन गाइस आप लोग को लेयर के अंदर आना है। तो गाइस आप लोग को ट्रांसफॉर्म आना है, ये आप लोग को से क्या करूंगा, अपने मॉडल को ऐसे हल्का से बड़ा करके ये ऐसे आपको एडजस्ट करके लगाना होगा, ओके? देन गाइस आप लोग को डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम डन कर दिया। तो गाइस आप लोग को सीखी करूंगा एक और एम्प्टी लेयर बनाना होगा, इसलिए आप लोग को प्लस वाले आइकन पर आना है। देन गाइस आप लोग को एक एम्प्टी लेयर बना दीजिए। तो गाइस आप लोग को सीखी करूंगा अपने बैकग्राउंड को ऐसे हाइड कर दीजिए। तो गाइस आप लोग को कलर के अंदर आना है, ये आप लोग को ऐसे व्हाइट कलर को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो फिर से आपको एक और एम्प्टी लेयर बनाना होगा। तो सेम तरीके से आपको ऐसे क्या करूंगा, इसको भी आप लोग को एक व्हाइट कलर को आपको ऐसे सेलेक्ट करना होगा, ओके? बहुत अच्छा है। देन गाइस आप लोग को सीखे उनको इसको एक्सवर कर दीजिए, इसका जो ब्लेंडिंग मोड है आप लोग को चेंज करके एक्सवर कर दीजिए। ये जो रिजल्ट आया इसको आप लोग को सीखे उनको इसको सेव कर दीजिए, बहुत अच्छा है। देन गाइस आप लोगों ने ऐसे बैक चले दीजिए। तो गाइस आपको सीखे उनका सबसे पहले आप लोग को आने ऐड के अंदर, ओके? आने के बाद आप लोग को सीखे उनका हमने जो बने था ड्रो टूल के अंदर जो पीएनजी का आप लोग को ऐसे ऐड करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को अपने मॉडल कट करना होगा, बाद में वो पेंच कट करना होगा, ओके? देन गाइस आप लोग डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम डन कर दिया। तो गाइस आप लोग को सीखी उनका फिर से आपका ने ऐड के अंदर ये पर आप लोग से वो व्हाइट वाले पेंच का आप लोग को ऐड करना होगा। देन इस पेंच का आपको से फुल बैकग्राउंड में सेट कर लगाना होगा, ये ऑटोमेटिक अपने पिक के हिसाब से आपको सेट हो जाएगा। तो गाइस आप लोग को इसका हार्नेस को मैनेज करेंगे, ऑपोजिट कलर कैसे मैनेज करेंगे, साइज कलर कैसे ऐसे हल्का से ऐसे प्लस करेंगे। देन गाइस आप लोग को से अपने बॉडी के ऊपर आप लोगों से अप्लाई करना होगा, जैसे कि मैं अप्लाई करता हूँ आप भी कुछ आप लोगों से अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई करना होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस बिफोर फोटो कैसा था, अभी आफ्टर फोटो कैसा हो चुका है। ये बिफोर एंड आफ्टर हल्का से एक व्हाइट पैड आ चुका है जो गाइस अपने पीक को और ग्लोइंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो गाइस आप लोग को सीखे उनका ऐसा ने आठ फोटो के अंदर, ओके? आने के बाद आप लोग को से एक माइक वाले पेंज का आप लोग को सेट करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को से इस वाले पेंज करना होगा। देन इस पेंज का आप लोग को रोटेट करके आपको से यह पर आप लोग को एडजस्ट कर लगाना होगा, ओके? देन गाइस आप लोग डन कर दीजिए। तो चलिए गाइस हम डन कर दिया। तो गाइस आप लोग को सीख करूंगा फिर से आपका ने आर के अंदर ये आप लोग को से ऑडियंस वाले पेंज मिलेगा, सिंपल से वो पेंज का आप लोग कट करना होगा, ओके? तो गाइस आप लोग को इस वाले पेंज कट करना होगा। देन इस पेंज का आपको ऐसे फुल बैकग्राउंड में सेट कर लगाना होगा, ओके? तो गाइस आप लोग को इरेज के अंदर रहना है, इस पर आप लोग को हार्नेस को माइनस करेंगे और इसका साइज कल कैसे प्लस करके आप लोग से जो व्हाइट इफिड आ रहा है वो इफिड का आप लोग कैसे इरेज कर दीजिए। देन गाइस आप लोग डन कर दीजिए। तो चलो एक गाइस हम डन कर दिया। तो ये पर आप लोग को सीखे करूंगा फिर से आपका ने आर्ट के अंदर ये पर आप लोग को से एक गिटर वाले पेंज मिलेगा, सिंपल से वो पेंज का आप लोग को सेट करके इसको अपने हाथ पर आप लोग को से
एडजस्ट कर लगाना होगा। तो इसका जो साइज को मैं हल्का से बड़ा कर देता हूँ। ओके देन गाइस आप लोगों ने इरेज का इरेज करना है, इसका हार्नेस का हल्का से प्लस करेंगे और साइज का हल्का से माइनस करके आप लोगों से जो ऊपर वाले पार्ट आ रहे हैं वो पार्ट का आप लोग से इरेज कर दीजिए। जैसे कैसे आप लोगों से रियल लगेगा, कोई फेक नहीं लगना चाहिए, रियल लगना चाहिए। ओके तो गाइस आप लोगों ने इसको इरेज करना होगा। बहुत अच्छा है, देन गाइस आप लोगों ने डन कर दीजिए। तो चले गए हम डन कर दिया, काफी अच्छा लुक आ रहा है। तो गाइस आप लोगों से क्या करूंगा, फिर से आपका ने आर्ट के अंदर ये पर आप लोगों से एक लाइट वाली पेंज का आप लोग कट करना होगा। देन इस पेंज का आपको ऐसे फुल बैकग्राउंड में सेट कर लगाना होगा और इसका जो ब्लेंडिंग मोड आप लोग को चेंज करके स्किन करना होगा। ओके तो गाइस आप लोग अपने फेस के ऊपर आ रहे तो इसको इरेज कर सकते हो। जैसे गाइस मैं इस टाइप का इरेज कर दिया, देन गाइस आप लोग डन कर दीजिए। तो ये पर आप लोग को एक और लाइट वाली पेंज मिलेगा, सिंपल से वो पेंज को ऐड करके इसको भी आप लोग को ऐसे फुल बैकग्राउंड में सेट कर लगाना होगा। तो ये सभी पेंज आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों ने वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो गाइस आप लोग को से क्या करूंगा, फिर से आपको ने ऐड के अंदर ये पर आप लोग को से एक टेस्ट वाली पेंज का आप लोग को ऐड करना होगा जो कि गाइस रॉकस्टार टेस्ट वाली पेंज है। तो इस पेंज का आप लोग को से हल्का से बड़ा करके इसको ऐसे सेट कर लगाना होगा। ओके देन गाइस आप लोगों ने डन कर दीजिए। तो ये पर आप लोग को से क्या करूंगा, फिर से आपको ने ऐड के अंदर आने के बाद आप लोग को से एक लाइट इफिटेबल पेंज का आप लोग ऐड करना होगा। ओके तो इस पेंज का आपको ऐसे फुल बैकग्राउंड में सेट कर लगाना होगा। और गाइस आप लोग को इसका एडजस्ट के अंदर सैचुरेशन माने इसका सैचुरेशन आप लोग को माइनस कर दीजिए, देन गाइस आप लोग डन कर दीजिए। तो इसका जो ब्लेंडिंग मोड आप लोग को चेंज करके स्किन करना होगा। ओके ये काफी अच्छा लुक देगा, आप लोग को इसको जरूर ऐड करना हो। तो गाइस आप लोग को इरेज करना है, अपने फेस के ऊपर आ रहे तो अपने इसको इरेज कर सकते हो। जैसे गाइस मैं फेस के ऊपर आ रहा है, मैं इरेज कर दिया, देन गाइस आप लोग डन कर दीजिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस हमारे एडिटिंग को ये 50% हो चुका है, बाकी जो रह गए 50% वो 50% आप लोग को से लाइट रूम के अंदर अपलोड करना होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस मैच को लाइट रूम अपलोड के अंदर। तो गाइस इस एडिटिंग का मैं एक प्रीसेट बना के रखा हूं, तो गाइस आप लोग को वो प्रीसेट का लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा, आप लोगों ने इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देन गाइस आप लोग को वो प्रीसेट को लाइट रूम के अंदर अपलोड करना होगा। ओके तो गाइस वो प्रीसेट को कॉपी करना होगा, इसलिए आप लोग को ये सारे थ्रीड के अंदर, देन गाइस आप लोग से कॉपी सेटिंग पर आप लोग से क्लिक कर दीजिए। बहुत अच्छा है। तो गाइस आप लोग को से क्या अपने फोटो के ऊपर आप लोग को अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप लोग को फिर से आपका ने थ्रीड के अंदर, देन गाइस आपको ऐसे पे सेटिंग पर आप लोग से क्लिक कर दीजिए। ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस बिफोर फोटो एंड आफ्टर फोटो, बिफोर एंड आफ्टर। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो सबको बहुत ज्यादा पसंद आए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर गाइस।